रात मौसूल हुई हैं कि अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से बाहर चले गए हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है, काबुल के तराफ के इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है तालिबान की जानिब से, और ये बताया जा रहा था कि अशरफ गनी जो हैं कुछ देर में इस्तीफा दे देंगे। तहम अफगान मीडिया की जानिब से इतलात मौसूल हुई हैं कि अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से बाहर चले गए हैं। कहाँ वो गए हैं इस हवाले से कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। ताहम अफगान मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से बाहर चले गए हैं। तालिबान की जानिब से तहफ्फुज का दावा भी किया गया था और ये भी कहा जा रहा था कि सदर अशरफ गनी और दीगर अहदेदार अफगानिस्तान में जहाँ चाहें रह सकते हैं। तहम अफगान मीडिया के मुताबिक अब ये इतलात मौसूल हुई हैं कि अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से बाहर जा चुके हैं। कहाँ वो गए हैं अफगानिस्तान छोड़कर इस हवाले से कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से बाहर चले गए हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म मोहियुद्दीन यासीन ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है।